मोदी के नोटबंदी के ऐलान के बाद से जिस प्रकार केंद्र से लेकर राज्य तक राजनीति शुरू हो गई है, जिसके चलते जगह जगह विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। राजधानी दून में भी नोटबंदी के विरोध में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता द्वारा मोदी का पुतला फूंक कर नोटबंदी के आदेशों को वापस लेने के नारे लगाए गए। कांग्रेस नेता सचिन दीक्षित का कहना है कि मेरे हिसाब से पूरा देश की स्थिति आज दयनीय हालत में मोदी जी की वजह से हो चुकी है देश के लोगों की। और ये आप भी जानते हैं, आज नोटबंदी के अचानक से लिए गए फैसले को 37वां दिन है, कितने लोगों ने देश में जान गंवा दी है और मोदी सरकार आराम से बेफिक्र की चैन की नींद सो रही है। हम लोगों ने भी निर्णय ले लिया है कि जनमानस को जितनी भी परेशानी हो रही है, आप देखिए एटीएम में, बैंकों में जाके देखिए, बैंकों के अधिकारी, बैंकों के कर्मचारी, यहाँ तक कि चौकीदार तक कमीशन लेकर नोटबंदी का खेल कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से पहले उन्हें चेतावनी देता हूँ कि अगर मुझे कहीं भी जनता का पैसे की दलाली करते पकड़े गए, मैं मुंह काला करके कानूनी कार्रवाई कराऊंगा। दूसरी बात, कल बीजेपी के कार्यकर्ता दिल्ली में लड्डू खिला रहे हैं, मैं उन्हें नसीहत देते हुए कहता हूँ, अच्छा होता लड्डू की बजाय आप दैनिक वस्तु लोगों के लिए लेके जाते, थैले लेके जाते सब्जियों के, आटे रिफाइंड के थैले लेके जाते। मोदी जी बंद करो ये राजनीति, बंद करो टिक्के टोपी की लड़ाई, शर्म आनी चाहिए। देश के 125 करोड़ की जनता इस विश्वास के साथ आपको प्रधानमंत्री चुना था कि काला धन आप बाहर से लाएंगे। आपने पहले हमारे सुनार भाइयों को काले कपड़े पहनवा दिए, उनपे टैक्स बढ़वा दिया, अब आपने जो है काले धन के चक्कर में आपने लाइनों पे लगवा दिया। एक तरफ आपने जो है दालों की कीमत बढ़ा दी, एक तरफ आटा 35 रुपए पहुंच गया, गरीब लोग देखे किस हिसाब से लोग डेली दम तोड़ रहे हैं। मैं आपके माध्यम से संदेश देना चाहता हूँ केंद्र सरकार को कि जो उन्होंने 50 दिन लिया, अगर 50 दिन तक उन्होंने कोई जनमानस को राहत देने का फैसला नहीं सुनाया तो 51वां दिन कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रीय राजीव गांधी सेना, आदरणीय सुशील लाठी जी के नेतृत्व में जंतर मंतर से बिगुल फूकेगी, आंदोलन का ऐलान करा जाएगा, पूरे देश के अंदर आंदोलन चला जाएगा। और मैं दो तरह का मिशन बहुत नजदीक है, मैं प्रदेश की जनता से अपील करता हूँ, अब वक्त आ गया है कि लाइनों में ना लगकर अब मोदी सरकार को उखाड़ने का फैसला लिया जाए। सचिन जी, जहाँ तक और जहाँ भी देखिए, अभी राहुल जी की आपने बात करी, राहुल जी 4000 रुपए बताऊँ, देशभक्ति के लोगों को गीत सुनाकर, देशभक्ति की भावना लोगों के अंदर भरकर लाइन में अगर लगवाएंगे तो जनता यही करेगी। वह जनता के आदमी नहीं थे, वह बीजेपी के कार्यकर्ता लाइन में लगे हुए थे, जिन्होंने हमारे भारत के युवराज आदरणीय राष्ट्रीय उपाध्याय राहुल गांधी जी के सामने मोदी मोदी के नारे लगाए। आज वही लोग हाय हाय मोदी, डूब मरो मोदी, मोदी जी शर्म करो, वो नारे लगा रहे हैं। जितने मेरे साथ लोग आए हुए हैं, इसमें से कुछ कार्यकर्ता है, कुछ लोग वो हैं जो बैंकों में लाइनों में लगने के बाद भी शाम को 2-2 बजे के बाद भी पैसा नहीं निकाल पा रहे। आज बैंक कह रहे हैं कैशलेस हो गया, आज बैंक ने कहा कि आप ये मोदी जी ने देखे जुमले पे जुमले छोड़ रहे हैं, कुछ दिन पहले कहा कि नोटबंदी सबर करो अच्छे दिन आएंगे, फिर कहा कुछ दिन की आप जो है कि प्लास्टिक की मनी, वो प्लास्टिक उसमें मनी चलेगी, आप कह रहे हैं कि जो है 50 दिन में, ऐसा क्या करेंगे मोदी जी 50 दिन में? आप, मुझे लगता है आप सिर्फ कोरा आश्वासन देश की जनता दे रहे हैं और हद हो चुकी है। कांग्रेस पार्टी और विपक्ष की पार्टियों का अधिकार है, कानूनी संविधान के तौर अधिकार है कि आपकी गलत बात का काट करना, उसका विरोध करना। इस देश की ऐतिहासिक पार्टी कांग्रेस, मैं मानता हूं कि खाली दर्शक की भूमिका में नहीं रह सकती।